अगर आप मुरादाबाद शहर में कांठोड और दिल्ली रोड के बीचों बीच स्थित काशीराम नगर के आसपास के इलाके में कोई ऐसी जमीन देख रहे हैं जो कि एमडी अप्रूव्ड हो, 40 फीट रोड पर हो और नॉर्थ फेसिंग हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूँ। और आज जिस लोकेशन पर खड़े हैं और जो प्लॉट का हम एक्सप्लोर करेंगे, पहले मैं उसकी कनेक्टिविटी बता दूँ। ये जो इलाका है आपका काशीराम नगर के वेस्ट साइड का इलाका है। अगर आप देखेंगे, आप नॉर्थ दिशा में देखेंगे तो आपको ये एमडीए द्वारा बनाए गए आपको प्लॉट दिखाई देंगे, और थोड़ा सा आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो मकान बनाए गए हैं वो यहाँ पे पास में है। और जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये जो रोड है 40 फीट की रोड है ये। इसके अलावा स्पेशली ये जो प्लॉट के सामने का जो एरिया है ये 40 फीट का है, और इसके आगे जो कनेक्टिंग रोड है ये आपकी 30 फीट की रोड है ये। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो 6.5 मीटर का फ्रंट है, और गहराई की बात करें तो लगभग ये लगभग 13 मीटर का होगा। टोटल 80 मीटर का प्लॉट है, और डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। और देखेंगे इलाका भी ये पूरा बहुत अच्छा है, तो आप देखेंगे पूरा चकोर प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग है। सामने भी आप देखेंगे चारों तरफ बहुत अच्छी प्लॉटिंग हो रखी है इधर। और इसकी कनेक्टिविटी की हम बात करें तो ये जो आपका नई तहसील अकबर के किले जो से जो पुल निकल रहा है नई तहसील के सामने से होते हुए, और जो सीधे आप देखेंगे आप हमारे नॉर्थ साइड में यहीं पे आके खत्म हो रहा है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा लगभग 100 से 125 मीटर का डिस्टेंस पे ये पुल खत्म हो रहा है। और जो पुल से जो आगे रोड निकली वो 60 फीट की है, तो उस हिसाब से बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है आपको। अगर यहाँ से हम एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ से जो एजुकेशन के लिए आप देखेंगे तो यहाँ से जो सेंट मेरी स्कूल है मुश्किल से 200 मीटर के डिस्टेंस पे, आप पूर्व दिशा में जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो लगभग 200 मीटर पे आपको सेंट मेरी स्कूल मिल जाएगा। और अगर यहाँ से आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको आर्यन इंटरनेशनल स्कूल मिल रहा है। हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ से जो साई हॉस्पिटल है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पे साई हॉस्पिटल है, उससे थोड़ा सा आगे जाके एपेक्स हॉस्पिटल भी है। तो इस प्रकार एजुकेशन और हेल्थ की जो कनेक्टिविटी है यहाँ से बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप कांठ रोड पे भी जाना चाहेंगे, पुल स्टार्ट होगा तो मुश्किल से आपको यहाँ से 2 से 3 मिनट में आप पुल क्रॉस करेंगे तो 2 से 3 मिनट आप कांठ रोड पे पहुंच जाएंगे। तो इस हिसाब से दिल्ली रोड की कनेक्टिविटी और कांठ रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये जो प्लॉट है बहुत प्राइम लोकेशन पे है, और क्योंकि एमडीए द्वारा अप्रूव्ड है तो अगर आप इस पर लोन भी लेना चाहें तो बहुत ही आराम से इस पर आपको लोन मिल जाएगा। और डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ फेसिंग है, जो कि एक अच्छा दिशा मानी जाती है वास्तु के हिसाब से भी। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, और अगर आप इसको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ ही दिन में 1-1.5 साल में यहाँ पे बहुत बसावट होने वाली है, पुल स्टार्ट होने वाला है, उस हिसाब से आसपास हल्के हल्के यहाँ पे भी मकानों का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। तो हम मान के चलते हैं 2 से 2.5 साल में आप यहाँ आराम से रह भी सकते हैं। पीछे देखेंगे तो आपको पीछे मकान बने हुए भी दिखाई देंगे। तो इस प्रकार रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप यहाँ चाहते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। मेरा जो अंदाजा आने वाले 3 सालों में यहाँ के जो रेट्स हैं लगभग 40 से 60% का बूम उसमें आएगा, ग्रोथ आएगी। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस प्रकार अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जनरली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आपके हाथ से कोई अच्छी लीड ना निकल जाए। तो इसके अलावा अगर आपकी भी कोई प्रॉपर्टी जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए उसको सेल करने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दो ही कंडीशन रहती है, आपकी प्रॉपर्टी जेन्युइन होनी चाहिए, कोई वाद विवाद ना हो, और जो रेट भी आप दें तो सराउंडिंग जो रेट चल रहे हैं उसके आसपास के अगर रेट आप मांगते हैं तो प्रॉपर्टी सेल होने के जल्दी सेल होने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9877-628505 है, इस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे द्वारा अपनी प्रॉपर्टी सेल और प्रमोट करवा सकते हैं। तो अब हम आते हैं जो सबसे मेन मुद्दा होता है, वो होता है रेट्स की। तो यहाँ जो इस प्रॉपर्टी के आपको जो रेट मिलने वाले हैं वह 38,000 मीटर के रेट है, क्योंकि ये जमीन एमडी द्वारा अप्रूव्ड है
तो इसमें जो सेल होगी वो मीटर में ही होगी, और जो रेट जैसे मैंने बताया आपको 38,000 स्क्वायर मीटर के यहाँ पे रेट है, और क्योंकि इस पर लोन हो जाएगा तो अगर आप लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी ये ऑप्शन आपको यहाँ आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन MD द्वारा अप्रूव्ड है। अगर इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री की बात करें तो आज से जो 2.5 और 3 साल पहले यहाँ पे जो रेट थे वो 20,000 रुपये मीटर के रेट थे, और 2 साल में ही अभी हम तो 38 बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो रेट रहते हैं जेन्यून रहते हैं, बट अगर आप वैसे आप मालूम करेंगे तो यहाँ पे जो रेट बताए जा रहे हैं नॉर्मली 40,000 स्क्वायर मीटर के रेट मिलते हैं। तो इस हिसाब से रेट जो है आपके पिछले 3 साल की ग्रोथ देखेंगे तो अप्रोक्स आपके डबल रेट हो चुके हैं। तो इस प्रकार रेट जेन्यून है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, अच्छी ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, तो इस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए मैं चंद्र प्रकाश आर्या रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।